बच्चों आज है हमारी अमेंडमेंट की क्लास नंबर 3। अमेंडमेंट की क्लास नंबर 3 के पहले हमने सारे इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स थे उनके सारे अमेंडमेंट्स कवर अप कर लिए। ऑब्वियसली वो अमेंडमेंट्स फाइनल वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की जो क्लास है ना उसमें हम लोग सिर्फ वो टॉपिक एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे जो कि फाइनल के लिए ही रेलिवेंट है। तो आज वाली क्लास कोई भी इंटरमीडिएट का बच्चा तो देखो ही मत। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे रिफंड पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस, रिकवरी डिमांड, थोड़ा बहुत समन से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन आया वो डिस्कस करेंगे, और एक प्लेस ऑफ सप्लाई पे केस स्टडी आई है वो भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला जो अमेंडमेंट है ना वो पहला अमेंडमेंट है रिलेटेड टू रिफंड टॉपिक, और उस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेन पेपर यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पेन पेपर यूज कर रहे हैं। तो आप भी शुरू हो जाइए। रिफंड में एक टॉपिक है जिसका नाम है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, राइट। रिफंड टॉपिक का नाम है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि सपोज कोई एक बंदे का दो पेडेंट बनता है, इनपुट ए इनपुट बी, दो पेडेंट बनता है ए एंड बी, और उस दो पेडेंट को बनाने के लिए वो दो तरह के इनपुट यूज करता है, एक्स और वाई। ये उसके इनपुट है, ये उसके आउटपुट है। मैं आपको जीरो से समझा रहा हूं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, फिर बहुत जल्दी अपने अमेंडमेंट में आ जाएंगे। सपोज इनपुट पे टैक्स रेट है 18%, एक्स और वाई पे है 12%। आउटपुट जो बनाते हो बनाते हो आप ए, ए पे टैक्स रेट है 5% और बी पे टैक्स रेट है सपोज 18%। तो ए के लिए पर्टिकुलरली ये बोला जाएगा कि दिस इज फॉलिंग अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि आउटपुट की टैक्स रेट इनपुट की टैक्स रेट से कम है। तो जब भी ऐसा हो कि आउटपुट सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई की टैक्स रेट इनपुट की सप्लाई की टैक्स रेट से कम हो तो दैट फॉल्स अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। और इस इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आपको रिफंड मिलेगा ऑफ योर आईटीसी व्हिच इज लाइंग सरप्लस। लेकिन सिंस आप एक तरह का प्रोडक्ट तो बनाते नहीं हो, आप दो तरह का प्रोडक्ट बनाते हो, एक प्रोडक्ट ए आपके इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आता है और दूसरा प्रोडक्ट बी आपके इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं आता। इसलिए लॉ ने एक फॉर्मूला बनाया कि मैक्सिमम रिफंड जो आपका होगा ना वो इस फॉर्मूले के अनुसार होगा। सबसे पहले आप निकालिए अपना नेट आईटीसी ऑफ इनपुट, यानी एक्स और वाई इनपुट पे आपका टोटल आईटीसी कितना है, उसमें से कितना आईटीसी ए से रिलेटेड है। इसके लिए हम लोग प्रोपोर्शन अप्लाई करते हैं, प्रोराटा अप्लाई करते हैं कि टर्नओवर ऑफ ए कितना है ये बता दीजिए और टोटल एडजस्टेड टर्नओवर कितना है ये बता दीजिए, यानी टोटल टर्नओवर कितना है। ये हो गया आईटीसी रिलेटेड टू आउटपुट ए। इसमें से ए का जितना जीएसटी है यानी आउटपुट जीएसटी ऑन ए इतना माइनस कर दीजिए, दैट विल बी योर मैक्सिमम रिफंड। इसलिए क्या करना पड़ेगा, टर्नओवर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई इस एग्जाम्पल के अनुसार 5%। ये हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला ठीक ही था, परंतु इसमें बहुत बड़ा लैक था जिसलिए डिपार्टमेंट को हमारी बार बार रिप्रेजेंटेशन जा रही थी, और फाइनली डिपार्टमेंट ने बात मान ली। पहले मैं आपको बताता हूं लैक क्या था। लैक ये था कि इस फॉर्मूले के अनुसार ये जो आउटपुट जीएसटी देना है हमें ऑन ए, आउटपुट जीएसटी ऑन ए जो हमें देना है वो हम पूरा का पूरा आईटीसी ऑन इनपुट से दे रहे हैं। आप दोबारा से ध्यान दीजिए कि जब आप नेट आईटीसी लेते हो ना, ये नेट आईटीसी, तब आप नेट आईटीसी ऑफ इनपुट लेते हो, खाली इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स नहीं लेते।
तो जब आप नेट आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट नेट आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स आप नहीं लेते, तो ये जो आउटपुट जीएसटी आप पे कर रहे हो वो भी आप खाली इनपुट की आईटीसी से पे कर रहे हो, जबकि आपको पता है आउटपुट जीएसटी कैन बी पेड आउट ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स, इससे भी पे कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा था कि जो आपका आउटपुट जीएसटी ऑन ए है वो सिर्फ इनपुट की आईटीसी से पे हो रहा है, इसलिए लॉ ने यहां पे फॉर्मूला हल्का सा चेंज किया। और लॉ ने जो नया फॉर्मूला बनाया है वो कुछ ऐसा बनाया है कि लॉ ने फॉर्मूला कुछ ऐसा बनाया है कि हम लोग जाएंगे अमेंडमेंट नंबर 800 के पार है ये तो, लॉ ने बोला कि ये जो आपका नया फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि मैक्सिमम रिफंड इज इक्वल टू नेट आईटीसी इंटू टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस डिवाइडेड बाई एडजस्टेड टर्नओवर यानी टोटल टर्नओवर माइनस टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मल्टीप्लाइड बाई नेट आईटीसी, ये नेट आईटीसी यही है इनपुट वाला, डिवाइडेड बाई आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों, आईटीसी ऑन इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि आपके दो इनपुट है एक्स और वाई, इसका आपने परचेज किया है टोटल 10 CR एट द रेट 18%, या आपने परचेज किया है 20 CR एट द रेट 12%, आपने इनपुट सर्विस हायर की है 10 CR एट द रेट 18%, और आपके आउटपुट है ए जिसका टर्नओवर है 30 करोड़ एट द रेट 5%, और आउटपुट बी टर्नओवर है 30 करोड़ और रेट है 18%। तो इस एग्जांपल में आपका आउटपुट ए इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है क्योंकि उसकी आउटपुट जीएसटी रेट इनपुट की जीएसटी रेट से कम है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है बी वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में फॉल नहीं करता है। अब फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले आप नेट आईटीसी निकालिए, तो भैया नेट आईटीसी तो सिर्फ इनपुट की निकाली जाती है फॉर्मूले के लिए, तो एच की आईटीसी आधे 10 करोड़ पे 18% बोले तो 1.8 CR, और वाई का 20 CR पे 12% बोले तो 1.82.4 CR, तो टोटल आपका आईटीसी आ गया 3.4.2 CR। अब ओल्ड फॉर्मूले में यदि इस फॉर्मूले को डाले ओल्ड फॉर्मूला, तो आपका मैक्सिमम रिफंड आ रहा था, ध्यान से देखना बच्चों यही टर्निंग है, नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर माइनस आउटपुट जीएसटी ऑन ए। इस फॉर्मूले पे वर्कआउट करें तो मैक्सिमम रिफंड इज इक्वल टू नेट आईटीसी 4.2 CR इंटू टर्नओवर ऑफ ए 30 CR डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ये 60 CR, यानी ए के ऊपर आईटीसी का प्रोपोर्शन आ रहा है 2.1 CR माइनस जीएसटी पेबल ऑन ए, तो टर्नओवर ऑफ ए है 30 इंटू 5%
फॉर्मूले पे वर्कआउट करें तो आएगा 2.1 CR माइनस 1.5 CR, आपका मैक्सिमम रिफंड हो रहा था 0.6 CR, 60 लाख रुपए का रिफंड हो रहा था। हमने ये पॉइंट आउट किया कि भैया जो 1.5 CR जो आप पे कर रहे हो वो सिर्फ आप इनपुट की ITC से क्यों पे कर रहे हो, वो तो इनपुट सर्विस की ITC से भी पे हो सकता है। तो आपके पास तो इनपुट सर्विस ऑफ ITC है ना, इनपुट सर्विस का भी ITC। तो अब नया फॉर्मूला ये बोल रहा है, द न्यू फॉर्मूला इज मैक्सिमम रिफंड इज इक्वल टू मैक्सिमम रिफंड इज इक्वल टू नेट ITC यानी इनपुट वाला इनटू टर्नओवर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ बी माइनस आउटपुट GST ऑन ए पेड बाय नेट ITC ऑन इनपुट डिवाइडेड बाय ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस। अब ये नया फॉर्मूला हो गया, नेट ITC ऑन इनपुट डिवाइडेड बाय ITC ऑन इनपुट प्लस इनपुट सर्विस। अब इस फॉर्मूले पे डेटा बैठाए तो मैक्सिमम रिफंड इज इक्वल टू नेट ITC ऑन इनपुट आ गया 4.2 CR, टर्नओवर ऑफ ए हो गया 30 करोड़, टोटल टर्नओवर हो गया 60 करोड़, माइनस आउटपुट GST ऑन ए कितना है, तो ए का टर्नओवर है 30 करोड़ इंटू 5%, ये वाला डेटा हाँ, मल्टीप्लाइड बाय नेट ITC ऑन इनपुट 4.2 CR डिवाइडेड बाय टोटल ITC। तो भैया टोटल ITC में आप ये वाला डेटा और जोड़ दो, इसमें आप ये वाला डेटा और जोड़ दो, IPS 10 करोड़ का 18% बोले तो 1.8 CR, बोले तो टोटल ITC अपना आ गया 4, 5, 6 करोड़। तो आप इस 6 करोड़ को और जोड़ ले लीजिए यहाँ पे 6 CR, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1.5 CR हम लोग दे रहे हैं ना, ये हम लोग सिर्फ ITC ऑन इनपुट से नहीं दे रहे हैं, दोनों मिलाते दे रहे हैं। तो ये कितना आया, ये आया 1.5 CR मल्टीप्लाइड बाई 4.2 डिवाइड बाई 6, तो 2.1 CR माइनस, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 742 1.05 आएगा, फिर भी एक बार कैलकुलेटर में निकाल लेते, 1.5 इंटू 4.2 डिवाइड बाई 6, हाँ तो 1.05 आया। तो अब आपका मैक्सिमम रिफंड हो गया 2.1 माइनस 1.05, तब आपका मैक्सिमम रिफंड हो गया 1.05, मैक्सिमम रिफंड हो गया अब आपका 1.05 CR। पहले मैक्सिमम रिफंड हो रहा था, आपको ध्यान है 60 लाख, अब आपका मैक्सिमम रिफंड हो जाएगा 1.05 करोड़। तो हर हाल में ये प्रोविजन SEC के फायदे की चीज है, इस एग्जाम्पल्स को, इस पिक को आपको दोबारा देखना चाहिए, तब जाके ये चीज आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। इसको देखने के भरोसे मत रहना, एक इस सम को वापस से आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, तब जाके ये चीज आपके दिमाग में पूरी बैठ जाएगी। आई होप ये पार्ट क्लियर। अगला जो रिफंड में चेंज आया, अगला जो रिफंड चैप्टर में चेंज आया वो ये आया कि रेलिवेंट डेट की डेफिनेशन रिफंड चैप्टर में दी हुई है। ये रेलिवेंट डेट काम किस लिए आता है, तो भैया रिफंड जो है ना वो आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। रिफंड क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या है, 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। तो ये रेलिवेंट डेट की डेफिनेशन लॉ में दी भी थी,
लेकिन लॉ में एक रेलिवेंट डेट मिसिंग थी व्हेन यू आर मेकिंग सप्लाई टू सेज यूनिट और सेज डेवलपर। आपको पता है एनी सप्लाई टू सेज यूनिट और सेज डेवलपर इज ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई। लेकिन जब उस जीरो रेटेड सप्लाई पे हम रिफंड क्लेम करने जा रहे थे तो हमारे को रेलिवेंट डेट नहीं मिल रहा था, तो लॉ ने वो रेलिवेंट डेट इस साल डिफाइन कर दी। लॉ ने बोला कि जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, मतलब जब आप सेज यूनिट या सेज डेवलपर को माल बेचते हो, व्हेन अ पर्सन इज मेकिंग सप्लाई टू यूनिट ऑफ सेज और डेवलपर ऑफ सेज, देन द रेलिवेंट डेट फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड शैल बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो जो आपकी GST R 3P भरने की लास्ट डेट है ना, वही आपकी रेलिवेंट डेट मानी जाएगी। अब आपने GST R 3P भरा तब इससे मतलब नहीं है। हो सकता है GST R 3P आपने पहले भर दिया, हो सकता है GST R 3P आपने बाद में भर दिया। सपोज GST R 3P भरने की लास्ट डेट है 20 तारीख, आपने हो सकता है भर दिया 19 तारीख को, हो सकता है आपने भर दिया 25 तारीख को, तो कब भरा इससे मतलब नहीं है। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GST R 3B जो है वहां से 2 साल के अंदर आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हो। सो ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई शैल बी द रेलिवेंट डेट। थ्योरी का पॉइंट था, हो गया? इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में क्लैरिफिकेशन है, ये खाली क्लैरिफिकेशन है, थ्योरी है, सुन लो, लेकिन काम क्या है? काम क्या इसलिए है क्योंकि SEC के पेपर की बात है। आप सबको पता है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी अपने अपने पढ़ते जाए कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर तब बोला जाता है जब आपकी आउटपुट की टैक्स रेट इनपुट की टैक्स रेट से कम। अब इससे रिलेटेड लॉ ने एक बार पहले क्लैरिफिकेशन दिया था, पहले वो सुनो फिर नया वाला बताऊंगा तो और मजा आएगा। कि सपोज जब मैंने इनपुट खरीदा तब मेरी GST की रेट थी 18%, व्हेन आई परचेज द इनपुट देन द GST रेट वॉज 18%, बट लेटर लॉ चेंज्ड एंड द रेट ऑफ GST रिड्यूस टू 5%। इनपुट इज सेम, आई एम जस्ट सप्लायर, आई परचेज द गुड्स एंड आई सेल द गुड्स, आई डोंट मैन्युफैक्चर। सो व्हेन आई परचेज द गुड्स द रेट ऑफ GST वॉज 18%, बट व्हेन आई स्टार्टेड सेलिंग दोज गुड्स एट दैट टाइम द रेट ऑफ GST रिड्यूस एंड द न्यू रेट ऑफ GST इज 5%। सो आई रेज्ड अ क्वेश्चन वेदर आई फॉल अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, डू आई फॉल अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, बिकॉज मेरा आउटपुट का रेट ऑफ GST तो 5% है लेकिन जो मैंने इनपुट जब खरीदा था उस समय मेरी रेट ऑफ GST 18% है। तो लॉ ने इसको क्लैरिफाई किया कि भैया जी इसको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो जस्ट लॉ चेंज हुआ उसके कारण आपका फॉर द टाइम बीइंग ऐसा हो गया, अदरवाइज आपकी इनपुट रेट ऑफ GST आउटपुट रेट ऑफ GST सेम है, इसलिए इसको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। इस बार एक और प्रश्न पूछा गया कि सपोज मेरा इनपुट का रेट ऑफ GST है 5%, मेरी आउटपुट रेट ऑफ GST होगी 12%, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी एक स्कीम लाई और स्कीम के तहत मेरे को आउटपुट पे GST रेट देना है 0.1%, आउटपुट पे GST रेट देना है 0.1%, जबकि मेरा इनपुट खरीदा हुआ है 5% और उसके ऊपर रेट ऑफ GST भी लगती है 5%। तो क्या मैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में फॉल करूंगा? यहाँ पे एक स्कीम लाई गई है, एक पॉलिसी लाई गई है जिसमें मेरे को रेगुलरली GST देना है 0.1% से और रेगुलरली इनपुट खरीदना है 5% से। तो भैया जी जब आप रेगुलरली इनपुट खरीदेंगे 5% से और रेगुलर आपको ITC मिलेगा और लेकिन आपका आउटपुट पे टैक्स लगेगा एज पर दी स्कीम 0.1%, तो भैया जी ऐसे तो आपकी ITC एक्यूमुलेट होती रहेगी। तो लॉ ने बोला कि इस केस में हम इसको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर मानेंगे एंड यू कैन क्लेम रिफंड। अब जब 0.1% मैंने बोला तो आई होप आपने कैच कर लिया होगा कि ये डिम्ड एक्सपोर्ट वाली स्कीम है।
ये डीम्ड एक्सपोर्ट वाली स्कीम है जिसमें आपको पर हो सकता है आउटपुट पे जीएसटी रेट 0.1% लगे, लेकिन आपके इनपुट पे रेट ऑफ टैक्स हमेशा वही लगेगा क्या, 5, 12, 18 जो भी हो। तो ऐसे में हमेशा आपकी आउटपुट रेट ऑफ जीएसटी कम रहेगी और इनपुट रेट ऑफ जीएसटी ज्यादा रहेगी, इसलिए आपको आईटीसी मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। आगे बढ़ते जाए बढ़ते जाए। ये जो यूआईएन होल्डर होते हैं, अगला अमेंडमेंट आ गया, यूआईएन होल्डर का इनवर्ट सप्लाई पे जितना टैक्स लगता था, ये इन्वर्टेड टैक्स सप्लाई पे रिफंड क्लेम करते थे और इनका रिफंड क्लेम करने की टाइम लिमिट थी 18 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच गुड्स वर परचेज। इस साल कोई चेंज नहीं आया, एक हल्का सा टाइम लिमिट का चेंज आया है कि ये यूआईएन होल्डर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर बंदे रिफंड क्लेम कर सकते हैं 24 महीने फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द गुड्स वर परचेज। तो जो टाइम लिमिट पहले 18 महीने थी, अब वो बढ़ गई 24 महीने के लिए। तो भैया जी, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है और कहीं नहीं बनता। तो एक यूआईएन होल्डर अब जिस क्वार्टर में गुड्स परचेज किया, उस क्वार्टर के एंड से 24 महीने यानी 2 साल के अंदर वो अपना रिफंड क्लेम कर सकता है फॉर ऑल टैक्सेस पेड ऑन इनपुट। आई होप अमेंडमेंट इजी था और क्लियर भी है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक पॉइंट आपको पता था, रूल 95A, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर काउंट पे जो भी निल रेटेड आउटलेट था ये, उनको रिफंड मिलता था। याद आया कि भैया आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डिपार्चर पे आप एक अपना आउटलेट खोल रहे हो, रिटेल आउटलेट, तो आप जो भी सप्लाई करते थे उसको हम लोग एग्जेम्प्टेड सप्लाई मानते थे। उस एग्जेम्प्टेड सप्लाई को बाद आपका जो इनपुट रहता था ना, आपका इनपुट, उसका आपके आईटीसी का हम लोग रिफंड देते थे। इस पॉइंट को लेके हल्का सा डिबेट हो रहा था कि ये जो सप्लाई रिटेल आउटलेट वाले कर रहे हैं ना, ये एग्जेम्प्टेड तो है, इस पे तो जीएसटी नहीं देना, और इनपुट पे आप रिफंड दे दे रहे, वो भी सब सही है, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये रिटेल आउटलेट वाले फिर भी हंगामा कर रहे थे कि भाई हमें नुकसान। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया आपको क्या नुकसान हो रहा है, थोड़ा समझाइए हमें, हाँ आपको क्या नुकसान हो रहा है, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक आउटलेट खोल के बैठे हो, हाँ आपके आउटपुट पे जो जीएसटी है वो एग्जेम्प्ट है, यानी आउटपुट पे आपको जीएसटी देनी नहीं है, हाँ, और आपके इनपुट जो जीएसटी लगी हम उसका आपको रिफंड दे देंगे, तो आपको परेशानी क्या थी? तो जब आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे? तो लॉ ने बोला ये जो बंदे हैं ना रिटेल आउटलेट वाले, इनकी परेशानी पहले सुनो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अमेंडमेंट क्यों आया। अमेंडमेंट इसलिए आया क्योंकि क्योंकि इनके इनपुट पे जीएसटी आप रिफंड दे रहे थे, हाँ, लेकिन इनकी इनपुट सर्विस जो यूज हो रही थी वो, इनके कैपिटल गुड्स जो यूज हो रहे थे वो, सिंस आप आउटपुट जीएसटी को एग्जेम्प्ट मान रहे हो, जब आप आउटपुट जीएसटी को एग्जेम्प्ट मान रहे हो तो प्रोपोर्शनेट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी यूज हो रहा है उसको आप रूल 42 में रिवर्ट कर रहे हो। तो जब आप उसको रूल 42 में रिवर्ट कर रहे हो तो ये तो भैया मेरे को नुकसान हो रहा है ना, आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस एंड आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। तो आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स को तो आप क्या कर रहे हो,
रिवर्ट कर दे रहे हो, ये बोलते कि भैया आपका आउटपुट तो एग्जेम्प्टेड है, आप मुझे सिर्फ रिलैक्स कर रहे हो वो इनपुट जीएसटी का जो कि डायरेक्टली इसमें यूज हो रहा है। लेकिन वो जीएसटी जो कि इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स पे मैं दिया था उसका क्या, उसको तो आप मुझे रिफंड नहीं कर रहे हो, उल्टे मेरी आउटपुट सप्लाई के एग्जेम्प्ट होने के कारण इसको आप रूल 42 में प्रोपोर्शनेटली रिवर्ट कर रहे हो। तो हमने बोला भैया चाहते क्या हो। तो ये इनका प्ली था कि सर हमारी जो आउटपुट सप्लाई है ना उसको आप एक्सपोर्ट मान लो, क्योंकि हम लोग तो भैया किसको माल देते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर काउंटर पे हमारे यहां जो भी पैसेंजर आएगा वो तो माल खरीदेगा और फिर आउट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर काउंटर से एयरपोर्ट पे चढ़ जाएगा, तो वो तो ऑब्वियसली इंडिया के बाहर जा रहा है, मतलब हमारा जो माल बिका वो तो ऑब्वियसली इंडिया के बाहर जा रहा है। तो जब हमारा माल इंडिया के बाहर जा रहा है तो आप उसको एक्सपोर्ट ही मान लो ना भाई साहब, और एक्सपोर्ट यदि आप मानते हो, एग्जेम्प्ट की जगह एक्सपोर्ट मान लेते हो, तब तो भैया जी इस रूल की दरकार ही नहीं है। फिर तो हमारा इनपुट पे जीएसटी, इनपुट सर्विस पे जीएसटी, कैपिटल गुड्स पे जीएसटी, आपको पता है एक्सपोर्टेड गुड्स चाहे एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्टेड गुड्स चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स हो, तब भी हमारा तो आईटीसी का रिफंड बनता है। तो आप हमारे इस एग्जेम्प्टेड गुड्स को हम लोग जो एक्सपोर्ट करें बस एक्सपोर्ट मान लो, तो हमारा क्या हो गया, इन सब का रिफंड बन जाएगा। तो लॉ ने तो नहीं, कोर्ट ने कह दिया यस ये जो इनका माल यहाँ पे सेल हो रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर काउंटर पे जो आपकी आउटलेट है यहाँ से जितना भी माल सेल हो रहा है वो सब माना जाएगा एक्सपोर्ट, और जब ये माल एक्सपोर्ट ही मान लिया गया तो भैया फिर तो क्या इनपुट और क्या इनपुट सर्विस और क्या कैपिटल गुड सबका आईटीसी का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। तो इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। जब इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई तब इन्होंने बोला कि सर जी अब आपका जो रूल है ना 95A उसकी हमें दरकार ही नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट मान लिया गया। अब जब हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मान लिया गया तो सर अब हमें किसी अलग से रूल की दरकार नहीं, हम अपना रिफंड क्लेम कर लेंगे। और फाइनली यही हुआ, रूल नंबर 95A ऑमिटेड। अब यदि आपको बात समझ में आ गई है तो आप इसको पढ़ लो बस, रिफंड ऑफ टैक्स टू द रिटेल आउटलेट एस्टेब्लिश इन द डिपार्चर एरिया ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बियॉन्ड इमिग्रेशन काउंटर मेकिंग टैक्स फ्री सप्लाई टू एन आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट द रूल 95A हैज बीन ऑमिटेड। मैंने अपनी भाषा में भी लिखने की कोशिश की, चेक करिए, द रूल हैज बीन डिलेटेड बिकॉज सच सप्लाई इज नाउ ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट बाई द कोर्ट विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। शुरू से एक्सपोर्ट मान लिया गया, ये सप्लाई तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होती थी पहले, इस एग्जेम्प्टेड सप्लाई का आईटीसी, आईटीसी ऑफ सिर्फ इनपुट का एग्जेम्पशंस मिलता था, वो नाउ जब रिफंड का रूल 95A एग्जेम्प्ट हट गया देन दिस सप्लाई ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई हेंस एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स यूज्ड इन रिलेशन टू सच। तो भैया तुम्हारे लिए बस एक खुशी की बात है कि रूल 95A जो तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ता था, 5-7 मिनट टाइम लगते थे, वो अब हट गई क्योंकि अब इसको एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। तो इसके रिलेटेड आप एक सम जरूर से एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। अगला अमेंडमेंट अपना आता है, टॉपिक का नाम है रिफंड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस को हम लोग मानते हैं एक्सपोर्ट या क्लियरेंस टू सेज, और उसमें आपको रिफंड मिलता है। अब इसमें इश्यू क्या आया, इश्यू ये आया कि एक्सपोर्ट करने पे कुछ दिनों पहले अमेंडमेंट आया था कि एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या पकड़ेंगे। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मींस उस फॉर्मूले में दिया हुआ था, पहले आपको फॉर्मूले से स्टार्ट करो, फॉर्मूला यह था कि रिफंड अमाउंट शैल बी द टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। अब क्वेश्चन आया कि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई क्या लेना है,
तो उन्होंने आंसर क्या दिया कि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मींस, अभी तक अमेंडमेंट नहीं बता रहा हूं, ये पहले की बात है, ये अमेंडमेंट पहले ही आ चुका है कि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मींस द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और एल्यूटी। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसकी वैल्यू, और द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइट गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सेम और सिमिलरली प्लेस सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर। तो आपका जो डोमेस्टिक प्राइस है उसका 1.5 टाइम्स मैक्सिमम, और जो आपने एक्सपोर्ट वैल्यू किया वो विच एवर इज लेस। यहां तक मामला रिजॉल्व था, लेकिन फिर मामला उठा कि वो तो ठीक है कि टर्नओवर मतलब आप लेंगे जितना आपका एक्सपोर्ट हुआ वो, या फिर जितना डोमेस्टिक प्राइस उसका 1.5 टाइम्स, व्हिच एवर इज लेस, परंतु प्रश्न आता है ये वैल्यू मतलब क्या। यहाँ पे वैल्यू मतलब कस्टम वैल्यू, जीएसटी वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या। तो अब उसको क्लियर किया गया कि वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया शैल बी टेकन एज The free on board value declared in the shipping bill or bill of export। तो जो FOB value आप shipping bill में declare करते हो वो value, और value declared in the tax invoice or bill of supply जो GST में invoice है उसकी value whichever is less। तो आपने GST में कितने का invoice दिखाया वो, और आपके custom के अनुसार free on board value क्या हो रही है वो, whichever is less shall be treated as the value of the export goods। अब वो value of export goods और 1.5 times of the domestic price whichever is less shall be treated as turnover of zero rated supply, और ये turnover of zero rated supply इस formula में use होगा net ITC into turnover of zero rated supply divided by adjusted total turnover। I hope एकदम clear amendment, सिंपल था, लेकिन न्यूमेरिकल के बीच में काम आएगा। ध्यान रखना फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू और जीएसटी इनवॉइस वैल्यू विच एवर इज लेस, लेस दोनों में लेस है, यहां पे भी लेस है और यहां पे भी लेस है। आगे बढ़े, डीम्ड एक्सपोर्ट में आईटीसी का रिफंड मिलता था। जैसे आपने किसी एक्सपोर्ट हाउस को माल बेचा तो वो आपके लिए डीम्ड एक्सपोर्ट, और इसके लिए जितना आपका आईटीसी है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो आप, मतलब इसका या तो जितना जीएसटी दिया वो आप रिफंड क्लेम कर लो, या फिर वो एक्सपोर्टर इसका आईटीसी का रिफंड क्लेम कर लेता। इसमें इशू क्या आ रहा था, इशू ये आ रहा था कि ये जो आईटीसी है ना, इसको जब एक्सपोर्टर रिफंड क्लेम करने जाता तो उसको एक प्रोसीजर दिखाया जाता। उस प्रोसीजर में यह था कि पहले आप आईटीसी क्लेम करिए, मतलब मैंने एक्सपोर्ट हाउस को माल बेचा तो दो ऑप्शन है, कि या तो मैंने जितना माल बेचा उस पर मैंने जो जीएसटी दिया उस पर रिफंड मैं क्लेम कर सकता हूं, और या फिर उस इनपुट टैक्स का रिफंड एक्सपोर्टर क्लेम कर सकता है। अब उसमें क्या हो रहा था, जब एक्सपोर्टर रिफंड क्लेम करने जाता ना तो उसको बोला जाता ये प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लीजिए। बोला क्या प्रोसीजर है, बोला आप ये जो माल लिए खरीदे हो इसको पहले आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में जाने दीजिए, ई क्रेडिट लेजर में जाने दीजिए। बोला ठीक है, फिर ई क्रेडिट लेजर से हम आपको रिफंड दे देंगे। बोला ठीक है, तो ऐसे रिफंड क्लेम किया जा रहा था। इस प्रोसीजर में दिक्कत आई, प्रश्न आता है क्या दिक्कत आई, तो दिक्कत यह आई कि जैसे ये टैक्स का पैसा ई क्रेडिट लेजर में जाता वैसे ही इसको आईटीसी मान लिया जाता, ऑब्वियसली आईटीसी मान लिया। अब आईटीसी मानते ही वो सेक्शन 17 बीच में आ जाता कि भैया आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो जितना आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई का प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन पे आपको अपनी टोटल कॉमन आईटीसी का आईटीसी रिवर्ट करना पड़ेगा।
और उस चक्कर में थोड़ी बहुत आईटीसी रिवर्ट हो जाती, जब आईटीसी रिवर्ट होती तो इस आईटीसी का भी रिवर्सल हो जा रहा है। एक्सपोर्टर ने ऑब्जेक्शन किया कि भैया ये तो आपके प्रोसीजरल प्रॉब्लम है ना, ये तो डीम्ड एक्सपोर्ट था, मेरे को एक बंदे का माल एक्सपोर्ट करना था, मैंने उस बंदे का माल लिया और एक्सपोर्ट कर दिया, उस बंदे ने जीएसटी लगा के मुझे माल दिया, लेकिन मैं तो जीएसटी लगा के एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट पे जीएसटी लग नहीं रही है, तो मैं इस जितना वो जीएसटी दिया मुझे उसका रिफंड दे दीजिए, बात खत्म। बोला रिफंड तो देंगे लेकिन वाया ई क्रेडिट लेजर देंगे। बोला ई क्रेडिट लेजर में जाते तो सेक्शन 17(1)(2) इन्वोक हो जाते हैं और मेरा प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्ट हो जाता है, तो इसका क्या उपाय है? तो लॉ ने बोला, देखो प्रॉब्लम तो सिंपल थी, लॉ को बस बोलना था, तो लॉ ने क्लैरिफिकेशन बोला कि ये जो एक्सपोर्टर इस डीम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम करने जा रहा है वो वाया आईटीसी लेजर में डालने के बाद फिर रिफंड ले रहा है, तो ये जो आईटीसी है इसको आप सेक्शन 17(1) और 17(2) के लिए आईटीसी मत मानिए, या ऐसे बोलिए कि इस आईटीसी पे 17(1) 17(2) नहीं एप्लीकेबल होगा। पढ़िए आपको और क्लियर होगा। द रिफंड इन रेस्पेक्ट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सप्लाइज, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाइज, द रिफंड इन रेस्पेक्ट ऑफ, the refund in respect of deemed export supplies is the refund of tax paid on such supplies. However, the recipient of deemed export supplies were facing difficulties on the portion to claim refund of tax paid due to requirement of the portal to debit the amount so claimed from the electronic credit ledger. Considering this difficulties, the tax paid on such supply has been made available as the ITC to the recipient. अब जब यह ITC मान लिया गया, the ITC of tax paid on deemed export supplies allowed to the recipient for claim in refund is not ITC in terms of provision of Chapter 5. Therefore, ITC so availed by the recipient of deemed export would not be subject to section 17. ये clarification आ गया। This will not be subject to section 17. और एक similar amendment आया कि ये ITC rule 89(4) के लिए भी net ITC की counting में नहीं आएगा, क्योंकि इसका तो आप as it is पूरा का पूरा refund ले ले रहे हो ना, ये तो बस e-credit ledger में गया और पूरा refund हो गया, तो जब ये ई क्रेडिट लेजर में जाके पूरा रिफंड हो जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल प्रॉब्लम, इसलिए फिर इसको आप आईटीसी मानिए ही मत, ना तो सेक्शन 17 के लिए और ना रूल 89(4) के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अगले पॉइंट पर आते हैं, रिफंड में जितने अमेंडमेंट थे हमने सारे कर लिए, अब हम लोग आ रहे हैं अगले चैप्टर में, डिमांड एंड रिकवरी। डिमांड एंड रिकवरी में छोटा सा इंटरनल इनका सर्कुलर है जिसके थ्रू इन्होंने कुछ मॉनिटरी लिमिट को तय कर दिया कि भैया जी जब हम लोग रिकवरी या 73-74 की प्रोसीडिंग चलाएंगे तो कौन सा ऑफिसर ये प्रोसीडिंग चलाएगा। तो इन्होंने कहा ये 73-74 की प्रोसीडिंग लिए सुप्रिंटेंडेंट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर ऑफिसर प्रोवाइडेड द मैटर इज नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, मतलब सीजीएसटी में 10 लाख और 20 लाख फॉर आईजीएसटी। मतलब यदि रिकवरी का मैटर 10 लाख सीजीएसटी 10 लाख एसजीएसटी तक का है तो भैया उसमें सुप्रिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स विल बी द प्रॉपर ऑफिसर। लेकिन यदि मामला 10 लाख से ऊपर का है, यानी 10 लाख सीजीएसटी 10 लाख एसजीएसटी से ऊपर का है लेकिन 1 करोड़ के अंदर है, मतलब 1 करोड़ सीजीएसटी 1 करोड़ एसजीएसटी, अच्छा ये इस चक्कर में नहीं पड़ते, ऐसे बोलते हैं 20 लाख तक का आईजीएसटी का मामला है तो सुप्रिंटेंडेंट देखेगा, 20 लाख से ऊपर परंतु 2 करोड़ के अंदर तक का मामला है तो भैया एसीडीसी देखेगा, और 2 करोड़ से ऊपर का मामला है तो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर विल बी द प्रॉपर ऑफिसर। याद रहेगा सुप्रिंटेंडेंट 20 लाख तक का जीएसटी के मामले में
प्रॉपर ऑफिसर माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिमांड एंड रिकवरी 73-74 के लिए यदि मामला 20 लाख से ऊपर और 2 करोड़ के अंदर है तो एसीडीसी विल बी द ऑफिसर, और यदि 2 करोड़ से ऊपर का 73-74 का मामला है तो भैया जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर विल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर ऑफिसर। आई होप ये चीज क्लियर। सर्च एंड सीजर में धमाके वाला अमेंडमेंट है, आपको पढ़ना चाहिए बड़े प्यार से। डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सर्च इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, तो होता क्या था, प्रॉब्लम कहां थी, और ये सर्कुलर ही आया है, मतलब इनका एक इंस्ट्रक्शन आया है जो कि उन लोग के लिए इंस्ट्रक्शन, अपने लिए कोई काम की बात नहीं है। फिर भी आई एम वेरी वेरी श्योर कि एग्जाम में कोई खास काम की बात नहीं आपके लिए। फिर क्या घटना क्या हुई ये सुनने लायक है, मजेदार है। हुआ यूं कि हमारे यहां प्रॉपर ऑफिसर सर्च सीजर के लिए आए, सर्च करते समय उन्होंने हमें धमकाया कि तुम्हारे यहां तो जो जो हमें पेपर मिले हैं ना, कम से कम तुम्हारे 50 करोड़ की लायबिलिटी बढ़ेगी। हम धमक गए, डर गए, तो बोलते हैं ये 50 करोड़ की लायबिलिटी हो जाएगी, तुम कम से कम अभी 30 करोड़ जमा कर दो, चलो दे दो 30 करोड़। हमने बोला अभी अभी कैसे दे दे, अभी तो सर्च एंड सीजर हुआ है, अभी तो उसके बाद आप एक शो कॉज नोटिस देंगे, हम उसका जवाब देंगे, फिर एक एडजुडिकेशन होगा, फिर जो एडजुडिकेशन ऑर्डर आएगा उसके बेसिस पे हमारा डिमांड एंड रिकवरी आपका बनता है, तो अभी हम आपको 30 करोड़ क्यों दे दे। बोला दे दो चुपचाप, सर्च एंड सीजर हुआ है, तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी 50 करोड़ से ऊपर बढ़ रहा है, चुपचाप 30 करोड़ जमा करो, चलो। धमकाने वाली बात हो रही है भाई साहब, आपको सर्च एंड सीजर में जो मिला आप उठाइए जाइए, पंचनामा मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप मुझे 100 क्लॉज नोटिस दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद एडजुडिकेशन होगी, सुनवाई होगी, उसके बाद आप एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करेंगे, एडजुडिकेशन ऑर्डर में जो मेरी जीएसटी लाइबिलिटी आएगी उतना आप क्लेम करिए, उसके अगेंस्ट में भी हम अपील कर सकते हैं। अभी रिकवरी की बात कहां से आ गई। बोला देखो बेसिक पंचायत में तो दे दो। हमने करी कोर्ट को कंप्लेन, ये देखिए ये तो धमकाते हैं हमें। कोर्ट ने सुनी सारी बात, तथ्य सामने आए, तो कोर्ट ने डिपार्टमेंट को बुला के झाड़ा कि भैया सर्च करते समय रिकवरी कैसे हो सकती है आपकी। सर्च करते समय यदि आपने एसएससी को कन्वे किया कि भैया देखो आपकी टैक्स लायबिलिटी 50 करोड़ तक जा सकती है, उसके बाद एसएससी ने अपनी मर्जी से कुछ पैसे जमा कर दिए टू सेव इंटरेस्ट, तो वो एसएससी की मर्जी है, करे ना करे एसएससी की इच्छा है, वो करना चाहे तो कर सकता है, परंतु आप धमकाने वाले कौन होते हैं। और यही इंस्ट्रक्शंस दिया गया प्रॉपर ऑफिसर्स को कि भैया एसएससी को सर्च एंड सीजर के समय धमकाओ मत, वो अपनी मर्जी से देना चाहता है तो दो, नहीं तो किसी भी सूरत पे आप रिकवरी प्रोसीडिंग्स अभी शुरू नहीं कर सकते। समझे आप, देखिए क्या दिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, sometimes the payers opt for deposit of the partial or full payment of GST liability arising out of the issue pointed out by the department during the course of search, inspection, investigation. Instances have been noticed where some of the taxpayer after voluntarily depositing GST liability through DRC 03 have been alleged use of force and coercion by the officers for making recovery during the course of such inspection. Some of the taxpayers have also approached Honorable High Court
It is observed that recovery of taxes not paid or short paid can be made under the provision of section 79 only after following all legal process of issuance of notice and subsequent confirmation of demand. No recovery can be made unless the amount becomes payable in pursuance of an adjudication order passed by adjudicating authority or otherwise becomes payable under the provision of this act or rules. Therefore, it is clarified that there may not be any circumstances necessitating recovery of tax due during the course of such an inspection or investigation. However, there is also no bar on the taxpayer for voluntarily making the payment on the basis of ascertainment of such procedure. SSC swechha se dena chahe to koi bar nahi hai, lekin proper officer dhamkayega, recovery shuru karega. ये गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता. बात क्लियर. अगला अमेंडमेंट आया चैप्टर समन से. समन जो चैप्टर नहीं है, समन जो पॉइंट है, उस पे एक डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शंस आया. समन के प्रोविजन को और खुल के क्लियर किया गया है कि समन क्या है, कब देना है, कैसे देना है. तो ये बात सुनने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा वाइटल तो नहीं है. CBIC has issued guidelines from time to time to ensure that summon provision are not misused. Accordingly, CBIC desires that the following guidelines must be followed in the matters relating to investigation under CGST Act. Number one, power to issue summons are generally exercised by superintendent. तो नॉर्मली सुपरिंटेंडेंट लेवल का प्रॉपर ऑफिसर समन दे सकता है. दो हायर ऑफिसर्स यानी एसी, डीसी, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर मे ऑल्सो इश्यू समन. समन बाय सुपरिंटेंडेंट शुड बी इश्यूड आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल विद द परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी डीसी विद द एसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी डीसी मतलब डेप्यूटी कमिश्नर, विद द रीजन फॉर इश्यूएंस ऑफ समन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. तो पहला पॉइंट आपको सबको क्लियर कि भैया सुपरिंटेंडेंट जो है ना वो समन इश्यू करेगा आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द एसीडीसी. अगली बात करें, वेयर फॉर ऑपरेशनल रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन सच प्रायर रिटन अप्रूवल, ओरल और टेलीफोनिक परमिशन फ्रॉम सच ऑफिसर मस्ट बी ऑब्टेन्ड एंड सेम शुड बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड इंटीमेटेड टू द ऑफिसर accordingly such permission at the earliest opportunity. Summon issue karna urgent hai, ACDC sahab available nahi hai, urgency hai, to aap ek bar summon issue kar sakte ho with oral permission of ACDC, lekin usko as soon as possible written permission mein aap convert kar lijiyega. Hogi baat. Teesri baat, in all cases where summon are issued, the officer issuing summon should record in file about appearance, non-appearance of the summoned person and place a copy of statement recorded in file. Summon diye the to summon ka kya hua, banda aaya ki nahi aaya, aaya to kya baat hui, kya dikhaya, kisne bulaye the, वो बातें कहां तक सेटल हुई, वो सारी बातें आपको स्टेटमेंट में लिख के फाइल में डाल के रखना पड़ेगा. समझे आप. चौथी बात, समन शुड नॉर्मली इंडिकेट द नेम ऑफ द ऑफेंडर. बड़ा खास बात है. अच्छा, आप पहले अपना एक कॉमन सेंस चेक करो कि सपोज जीएसटी की चोरी मैंने की है, आपने जो मुझे फीस दी थी वो मैंने जीएसटी डिपार्टमेंट को बताया, मैंने अपने बुक्स में दिखा दिया कि आपने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, तो मैंने इनकम टैक्स भी चोरी कर ली और जीएसटी भी चोरी कर ली. तो जीएसटी डिपार्टमेंट को लगा कि इस इंसान का जब बर्थडे आता है तो उस दिन इसको कोई 25-30 लोग गिफ्ट कर देते हैं, और वो भी एक यूनिफॉर्म अमाउंट 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, और इस बंदे की फीस भी 10,000 है. तो मुझे डाउट हो रहा है कि ये बंदा उस दिन फीस कलेक्ट करता है, हमें गिफ्ट देता है, तो डिपार्टमेंट क्या मुझे समन दे सकता है, या ये बताइए दे सकता है, क्या आपको समन दे सकता है,
आप स्टूडेंट को ये एक बार आइए थोड़ा पूछना आपसे कि सर से आप पढ़ते हो कि सर से आप दोस्त हो, आपने उन्हें बर्थडे पे गिफ्ट दिया था कि फीस दिया था, पहले बताओ डिपार्टमेंट क्या आपको समन दे सकता है? यू आर नॉट द डिफॉल्टर ऑफ जीएसटी, आई एम डिफॉल्टर ऑफ जीएसटी, क्या आपने जीएसटी का डिफॉल्ट किया? नहीं, क्या आपको समन दिया जा सकता है? एंड आंसर इज यस, समन किसी को भी दिया जा सकता है, कोई भी पूछताछ करने के लिए समन दिया जा सकता है। तो अब सपोज आपके घर में जीएसटी का समन आ गया तो आपके तो घर में परेशानी हो जाएगी, हाँ पापा आपको थप्पड़ ला देंगे कान के नीचे और मम्मी तो आपके आंसू बहाने शुरू कर देगी, अरे ये क्या हुआ मेरा बेटा कहाँ फंस गया, देखो इसको तो डिपार्टमेंट का समन आने लग गया, क्या किया क्या नहीं किया, तहलका मच जाएगा। तो लॉ ने बोला यार ऐसे क्यों डराते हो बच्चे को, हाँ यदि उसको समन देना है तो उसमें लिखो प्रिंसिपल ऑफेंडर इज संजय मुंद्रा, आप नहीं हो, तब आपके पास समन आएगा तो आपको लगेगा ओ हमारे सर का कोई जीएसटी का केस आया है जिसके लिए हमको बुलाया है, ताकि आप इसे फोन में बात करके जाओ यार ऐसे क्या डायरेक्ट चले गए। इसलिए लॉ ने बोला कि नेम ऑफ द ऑफेंडर आपको समन में नोट करना पड़ेगा, कोट करना पड़ेगा, ताकि सामने वाला डरे नहीं घबराए नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये भी लिख दिया यदि नेम ऑफ द ऑफेंडर लिख देने से यदि डिपार्टमेंट को लगता है कि उनकी प्रोसीडिंग्स खराब हो जाएगी, ढील हो जाएगी, वो लोग मैनिपुलेशन कर लेंगे, तो हो सकता है वो नेम ऑफ ऑफेंडर इस रीजन से ना दे। क्योंकि हुआ क्या, जैसे ही नेम ऑफ द ऑफेंडर संजय मुंद्रा आएंगे, आप तो मेरे दोस्त करे दोस्त कम स्टूडेंट, तो आपको मैं तो फोन करेंगे सर जी आपके नाम पे समन आया है, हमें बुलाया है, तुम बोलोगे भाई सुनना 27 नंबर तो तेरा एडमिशन हुआ था, उस दिन मेरा बर्थडे था तो मैंने बर्थडे गिफ्ट दिखा दिया, तो प्लीज बोल देना हाँ तो इंटर में मेरे से पढ़ाई है, वहां से अपने प्रूफ कर देंगे आपकी अपनी दोस्ती हो गई, कि तूने मुझे 10,000 का गिफ्ट ऑफर किया था, ऐसा अपने कुछ बोल देगा। तो इस तरीके से हम लोग मैनिपुलेशन कर लेंगे, तो उस केस में हो सकता है डिपार्टमेंट को लगे कि ऐसा मैनिपुलेशन होने की चांस है तो वो ऑफेंडर का नाम ना भी दे। तो समन शुड नॉर्मली इंडिकेट द नेम ऑफ द ऑफेंडर अगेंस्ट हुम द केस इज बीन इन्वेस्टिगेटेड अनलेस Unless revelation of the name, revelation of the name of the offender is detrimental to the cause of the investigation, so that the recipient of summon has prima facie understanding as whether he has been summoned as an accused or co-accused or as witness. उसको accused की तरह बुलाया है, co-accused की तरह बुलाया है, या जब witness बुलाया उसको मालूम तो पड़े भाई। तो अनलेस आपके प्रोसीडिंग्स तो बहुत ही डेट्रीमेंटल हो जाए नाम डिस्क्लोज करना, काइंडली नाम ऑफ द ऑफेंडर डिस्क्लोज कर देना। बात समझ में आ गई? तो भैया डिपार्टमेंट तो फिर क्यों नाम डिस्क्लोज करेगा, फिर भी बोला तो क्या है। इश्यूएंस ऑफ समन मे बी अवॉइडेड टू कॉल अपॉन स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट विच आर डिजिटली ऑनलाइन अवेलेबल। भैया देखो ज्यादातर पेपर तो आजकल हम लोग डिजिटली सबमिट कर देते हैं, तो जो पेपर आपको डिजिटली ऑनलाइन मिल रहा है उसके लिए समन क्यों देते हो, अवॉइड करो उसको। सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर्स सच एज सीएमडी, एमडी, सीईओ, सीएफओ, इस तरीके के टॉप लेवल के ऑफिसर्स को जनरली समन देके नहीं बुलाना चाहिए अनलेस आपको लग जाए कि ही इज द ऑफेंडर, उसका खुद का गिल्टी है या उसको बुलाना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली जरूरी है। सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर सच एज सीएमडी, एमडी, सीईओ, सीएफओ और सिमिलर ऑफिसर ऑफ एनी कंपनी और अ पब्लिक सेक्टर यूनिट शुड नॉट जनरली बी इश्यूड समन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, दे शुड बी समन व्हेन देयर आर क्लियर इंडिकेशन इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच लेड टू लॉस ऑफ प्रिविलेज। जब आपके पास क्लियरली ऐसे एविडेंसेज हो जिससे क्लियर हो जाए कि इनके कारण ही लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है, तो फिर आप उन्हें समन दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। जनरेशन एंड कोटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज मैंडेटरी ऑन द कम्युनिकेशन इश्यूड बाय द ऑफिसर्स, तो DIN नंबर आपको कोट करना पड़ेगा। द समनिंग ऑफिसर मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द टाइम, जिस दिन आपने समन दिया, जिस दिन आपने बुलाया, सब एटलीस्ट आप तो उस दिन रहना। सपोज प्रॉपर ऑफिसर ने मुझे उस दिन बुलाया, मैं गया और मालूम पड़ा प्रॉपर ऑफिसर ही एब्सेंट है,
ये क्या करते हो? तो बोला गया कि भैया जिस ऑफिसर ने उसको बुलाया है समन्स लिए वो ऑफिसर अवेलेबल होना चाहिए, और यदि किसी कारण से वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा उस दिन तो उसे टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्म कर देना। समन पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस इन राइटिंग और ओरल। तो भैया ये थे समन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस। एक आधे पॉइंट और है वो भी देख लो। ऑल पर्सन समन्ड आर बाउंड टू अपियर बिफोर द ऑफिसर कंसर्न्ड, द ओनली एक्सेप्शंस बीइंग वुमेन हु डू नॉट बाय ट्रेडिशन अपियर इन पब्लिक और प्रिविलेज पर्सन्स। तो भैया कुछ वुमेन को प्रिविलेज है पब्लिक में ना आने की, तो वो बंदे वो वुमेन को छोड़ दो, तो बात बात ये जिनको भी समन इश्यू हुआ है पर्सनली आना पड़ेगा। इश्यूएंस ऑफ रिपीटेड समन्स विदाउट इंश्योरेंस सर्विस ऑफ द समन मस्ट बी अवॉइडेड। समन पे समन दिए जा रहे हो लेकिन गलत एड्रेस पे दिए जा रहे हो, बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फिर आप एक के बाद एक समन दिए जा रहे हो, अरे चेक तो कर लो क्या मालूम एड्रेस ही गलत हो जहाँ पे समन जा रहा है। तो रिपीटेशन ऑफ समन विदाउट रिस्पॉन्स ऑफ द पर्सन्स मस्ट बी अवॉइडेड। यदि रिपीटेशन ऑफ समन हो रहा है, बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका समन वहां पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यदि पहुंच रहा है फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको पहले वो रीजंस हटाना चाहिए जिसके कारण समन डायरेक्टली उस पार्टी के पास नहीं पहुंच रहा है। बात क्लियर? इस पे दिया हुआ है। अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। अगला पॉइंट है पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड। मैंने लिखा है रेफर वर्ड फाइल। तो भैया इससे रिलेटेड एक वर्ड फाइल है, पहले वो देखेंगे। क्या है पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड? एक छोटी सी बात है, बोलो ट्रांजेक्शन पहले बना देते हैं। पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड बोधलेस फाइल है, बोधलेस फाइल यहाँ पे दिया हुआ। चलो फाइन, ओ ध्यान नहीं दिया हुआ तभी वर्ड फाइल कर रहा है। बड़ा ही खतरनाक सा पॉइंट है भाई, बहुत प्यार से समझना पड़ेगा आपको, बहुत प्यार से समझना पड़ेगा। इन दिनों में आपने जीएसटी के ये सब केसेस सुने होंगे कि बंदे ने बोधलेस बिल दे दिया और बोधलेस बिल देके आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। ऐसी भी कई सारी कंपनीज सामने आई है जो चेन ऑफ बोधलेस बिल बना के डिपार्टमेंट को गुमराह करना चाहती है कि ए ने बिल दिया बी को, बी ने बिल दिया एच को, एच ने बिल दिया पी को, पी ने बिल दिया क्यू को, और क्यू ने पार्टी को बिल दिया। ओरिजिनल डिफॉल्टर को पकड़ने के लिए इतनी लंबी चेन पकड़ना पड़ता है, इतनी बोधलेस कंपनीज को पकड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसे भी केसेस आए जिसमें डिपार्टमेंट ने 73-74 बोधलेस कंपनीज को ढूंढते ढूंढते रियल डिफॉल्टर को पकड़ा। ऐसे में पेनल्टी क्या लगेगी, प्रोसिक्यूशन क्या लगेगा, इसको लेते डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इश्यू किया है। और वो सर्कुलर इतना मजेदार है, इतना शानदार है, यहाँ पे जो चेन ऑफ बोधलेस कंपनीज बनाते हो ना, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे जब आप पढ़ेंगे। ये जो 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 चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, पढ़े लिखे लोग, लॉयर जो ये सोच रहे हैं कि हम चेन ऑफ बोधलेस कंपनीज बना बना के बोधलेस बिल बना के डिपार्टमेंट तक पहुंचेंगे, एक बार ये प्रोविजंस पढ़ लो, दिमाग ठिकाने आ जाए ये धराई में आओगे तो कितनी पेनल्टी खाओगे। अच्छा आपको पता है पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन किसी सर्कुलर के थ्रू नहीं इम्पोज किया जा सकता। तो लॉ बोल रहा है भैया मैं कोई नई पेनल्टी प्रोसिक्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं कि इसमें पेनल्टी प्रोसिक्यूशन कैसे लगेगी एज पर द रिस्पेक्टिव, एज पर द रिस्पेक्टिव लॉ। अब इस चीज को समझने के लिए एक बार मैं आपको एक पेज में लेके चलता हूं। ये जो मेरा पेज, ठीक है, हम लोग आ गए इसमें। नाम क्या है? बोधलेस बिल। सपोज ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक बोधलेस बिल दिया। बोधलेस बिल मतलब
खाली बिल दिया, सप्लाई नहीं हुई, इसको बोलते बोनस बिल, नो सप्लाई ओनली बिल। बी लिमिटेड ने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया। इस भाई साहब ने डिपार्टमेंट को जीएसटी पे कर दिया, इस भाई साहब ने इसका आईटीसी दे दिया, लेकिन लिटरली तो सप्लाई नहीं हुई है, बेसिकली बोनस इनवॉइस। तो आप सोच रहे हो कि जब इसने जीएसटी दे दिया तो डिपार्टमेंट को क्या प्रॉब्लम है, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया, आईटीसी दे दो। लेकिन भाई साहब ये जीएसटी कौन सा कैश में देता है, ये भी तो जीएसटी अपनी आईटीसी यूज करके देता है। लिटरली यहां की आईटीसी यहां शिफ्ट करने के लिए ये एक बोगस बिल बनाता है, इसके पास तो सरप्लस आईटीसी है, ये उस आईटीसी से पे कर देता है और बाद में ये आईटीसी क्लेम कर लेता है। तो लिटरली क्या हो रहा है, इस कंपनी की आईटीसी इस कंपनी के पास जा रही है वाया दिस बोगस बिल। बात समझ पा रही? अब इसको एलिमिनेट करने के लिए डिपार्टमेंट ने बोला देखो भैया ऐसा मत करो, करोगे तो बहुत मार खाओगे, पहले सिनेरियो वन दिखा रहा हूं। बोले दिखाइए। बोले देखिए ए लिमिटेड ने गड़बड़ क्या की, इसने बोगस बिल दे दिया बी लिमिटेड को, और बी लिमिटेड ने इस आईटीसी को यूज करके एक जेन्युइन ट्रांजेक्शन का जीएसटी पे दिया। इन्होंने सी लिमिटेड को एक्चुअल सेल किया था और उस एक्चुअल सेल पे जितना जीएसटी होता है वो इन्होंने इससे पे कर दिया, इस आईटीसी से पे कर दिया। एक्चुअल सेल जीएसटी पेड आउट ऑफ बोनस आईटीसी, सीन क्लियर? ओके, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सी लिमिटेड। तो लॉ ने बोलेगा चलो देखो इसमें क्या होगा, ए ने जो बी को माल बेचा दैट इज बेचा ही नहीं कुछ, जब बेचा ही नहीं तो नो सप्लाई, नो सप्लाई तो नो जीएसटी लायबिलिटी, नो जीएसटी लायबिलिटी तो नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 73-74, नो रिकवरी, नो 73-4, नो 73, नो 74, तो नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 74, तो पेनल्टी अंडर सेक्शन 74 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ट्रांजेक्शन में कोई सप्लाई हुआ ही नहीं, जब ट्रांजेक्शन में सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी लायबिलिटी अराइज नहीं हुआ, जीएसटी लायबिलिटी अराइज नहीं हुआ तो रिकवरी 73-74 की इन्वोक नहीं होगी, जब रिकवरी 73-74 की इन्वोक नहीं होगी तो आप पेनल्टी कैसे लगाओगे? तो भैया यहाँ पे 74 वाली पेनल्टी तो नहीं लगेगी, 73-74 वाली पेनल्टी तो नहीं लगेगी, ठीक है ना? तो भैया आप 73-74 की पेनल्टी से तो बच गए, खुश हो। लेकिन सेक्शन 122-12 में ऐसा बोला हुआ है कि यदि आप फर्जी इनवॉइस इश्यू करते हो तो आपको पर सेक्शन 122 की पेनल्टी लगेगी, एंड द पेनल्टी शैल बी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स एविडेड। यहां पे बोल दो फर्जी जीएसटी, बोगस जीएसटी, जितना बोगस आईटीसी पास ऑन होने की कोशिश हुई उसकी एक ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो सब मिला के एक ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, कितने की, जितने की वो बोगस आईटीसी पास ऑन करने की कोशिश कर रहा है। आई होप यहां पे क्लियर। ए का काम खत्म, एक ऊपर सेक्शन 74 नहीं लगेगा, एक ऊपर सेक्शन 122 लगेगा और पेनल्टी होगी 100% ऑफ बोगस आईटीसी जो ये पास ऑन करने की कोशिश कर रहा था। अब बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का तो एक्चुअल सेल हुआ था, हाँ एक्चुअल सप्लाई हुआ तो बी का तो जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो रहा है, हाँ तो बी ने तो इस जीएसटी लायबिलिटी को पे किया आउट ऑफ बोगस आईटीसी, हाँ ये तो हुआ, यानी आपने एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया, नो पेमेंट, बोगस आईटीसी से पेमेंट किया मतलब पेमेंट नहीं किया, हाँ पेमेंट नहीं किया मतलब शॉर्ट लेवी हो गया,
आपको ऊपर टैक्स लगना चाहिए था, नहीं हुआ, या शॉर्ट पेड बोल दो, शॉर्ट पेड होने के कारण ये फ्रॉडुलेंट है इसलिए 74 लगेगा। और सेक्शन 74 में बोला हुआ है 100% ऑफ टैक्स इवेडेड पेनल्टी लग जाएगी। तो 100% ऑफ टैक्स इवेडेड की पेनल्टी लगेगी बी के ऊपर अंडर सेक्शन 74। मतलब ए भी पेनल्टी खाएगा, बी भी पेनल्टी खाएगा, चोरी हुई थी एक ITC की पेनल्टी लगी दो जन को पर इक्वल टू 100% ऑफ फॉल्स ITC। अच्छा सेक्शन 122 यहां पे भी एप्लीकेबल है। सेक्शन 122 में बोला हुआ है कि यदि आप बिना सप्लाई के ITC लेते हो तो आप भी 122 में फॉल करते हो। लेकिन ये तो भगवान की दया है, ये सेक्शन 74 में ही बोला हुआ है कि यदि आपके ऊपर 74 की पेनल्टी लग गई ना तो आपके ऊपर और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर से बोलूं, 74 की पेनल्टी लग गई तो और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, इसलिए आपके ऊपर 122 एप्लीकेबल नहीं होगा। बी भाई साहब आप सिर्फ 100% पेनल्टी दे दीजिए और आप बच गए। सिनेरियो वन मेरी तरफ से ओवर, सिनेरियो टू में जा रहा हूं। आई होप ये एक्सप्लेनेशन एकदम क्लियर था। सिनेरियो टू में चलते हैं। ए ने बी को ऊपर बोनस बिल बनाया, और कोई सप्लाई तो हुई नहीं थी, और डिपार्टमेंट को गुमराह करने के लिए बी ने एक और कंपनी फर्जी कंपनी निकाली और उसने भी उसको ऊपर बिना सप्लाई के बोनस इनवॉइस रेज किया। यानी मैंने जिसको ऊपर इन्वॉइस किया उसने फर्दर एक बोगस इन्वॉइस रेज कर दिया ताकि ITC घूम घूम के जाए और डिपार्टमेंट को खबर ही न लगे। डिपार्टमेंट ने ऐसे भी केस पकड़े हैं जहां पे 40-45 बोगस कंपनीज को ढूंढते ढूंढते रियल डिफॉल्टर को पकड़ा। यहां पे तो मैंने सिर्फ दो कंपनी का एग्जाम्पल दिया, ए ने बोगस इन्वॉइस दिया बी को, बी ने बोगस इन्वॉइस दिया सी को। तो ए का तो नो सप्लाई, ए के केस में तो नो सप्लाई तो नो जीएसटी तो नो 73 74 तो नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 74। लेकिन सेक्शन 122 की पेनल्टी तो लगेगी और पेनल्टी लगेगी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स ट्राइड टू पास ऑन। ठीक है, तो ए को पलट दिया, ये चीज अपने पहले एक्सप्लेन कर चुके। बी ने सी को कोई सप्लाई तो नहीं किया तो यहां पे भी वही बात लगी थी, नो सप्लाई तो नो 73 नो 74, फिर नो 74 तो फिर नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 74, नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 74। लेकिन इसको पे भी 122 लगेगा, 122 लगेगा किस लिए, क्योंकि भैया जी आपने फर्जी ITC ले लिया, फॉल्स आईटीसी क्लेम्ड, और फॉल्स ITC पास्ड ऑन। अरे डबल चोर, अरे भैया जी फॉल्स ITC को फॉल्स दे दिया, अरे नहीं दो बातें कर दी आपने गड़बड़, फॉल्स ITC क्लेम एंड फॉल्स ITC पास्ड ऑन, इसलिए भाई साहब आपको ऊपर डबल पेनल्टी लगेगी। आपका मन नहीं मान रहा ना, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ मन नहीं मान रहा ना, दिखाता हूं। मन किसका मानता है भाई डबल पेनल्टी पे, लेकिन मनवाना पड़ता है। 122 में और 122 1 7 में आपने दो डिफॉल्ट कर दिया, दो 122 1 2 और 122 1 7 में आपने दो डिफॉल्ट कर दिया तो आपके ऊपर दो डिफॉल्ट की दो पेनल्टी लग जाएगी 100% ऑफ फॉल्स ITC जो आपने क्लेम किया, और 100% ऑफ फॉल्स ITC जो आपने पास ऑन किया, जो आपने क्लेम किया उसका 100%
और जो आपने पास ऑन किया उसका 100%, इस तरीके से आपको ऊपर 200% ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का पेनल्टी लग जाएगा। अब सी के ऊपर है कि सी जिसको दे रहा है वो रियल सप्लाई है कि नो सप्लाई है। यदि रियल सप्लाई है तो 74 की पेनल्टी खाएगा कि भैया आपने आईटीसी फॉल्स लिया था, और नो सप्लाई तो फिर ये बी की तरह दोनों पेनल्टी खाएगा 122-12 की और 122-17। इसलिए मैं इस चेन को आगे नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब आप समझ गए कि यदि सी ने डी को बेचा तो सी ने डी को रियल में बेचा तब तो 74 की पेनल्टी खाएगा, जैसा ऊपर में डिस्कस किए थे, रियल में बेचा तो 74 की पेनल्टी। और यदि सी ने डी को फॉल्स बेचा तो जिस जैसा इस केस में बी के साथ हुआ वैसा सी के साथ भी होता। तो आप समझ लो यदि आपने सपोज पांच फॉल्स कंपनी बना के आपने पांच फॉल्स कंपनी बना के रियल में माल बेचा है, फॉल्स नो सप्लाई, नो सप्लाई बोगस इनवॉइस, नो सप्लाई बोगस इनवॉइस, नो सप्लाई बोगस इनवॉइस, नो सप्लाई बोगस इनवॉइस एंड सप्लाई। तो भैया जी इसमें 122 की पेनल्टी लगेगी इसको पर 100%, बी को पर 122-12 की और 122-17 की पेनल्टी लगेगी 200%, यहां पे भी 200%, यहां पे भी 200%, और यहां पे सेक्शन 74 की पेनल्टी लगेगी एक बार 100%। तो भैया 100, 200, 300, 500, 700, 800, 800 800% 8 times ऑफ द जीएसटी ट्राइड टू बी मैनिपुलेटेड। यानी यदि आप 10 लाख की जीएसटी को फॉल्स आईटीसी देना चाह रहे हो तो आपको ऊपर 80 लाख तक की पेनल्टी लग जाएगी। ये सारी बातें इस इनवॉइस इस सर्कुलर में प्यार से बताई हुई है, आप आराम से इत्मीनान से इसको पढ़ लेना क्योंकि मैंने आपको इससे फार बेटर तरीके से पढ़ा दिया है, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने पावर पॉइंट पे। अब जो बताने जा रहा हूं ना दोस्तों वो प्लेस ऑफ सप्लाई में धमाकेदार अमेंडमेंट है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, सप्लाई चैप्टर बोलो, सप्लाई चैप्टर में धमाकेदार केस स्टडी आ गया और उस केस स्टडी ने बवंडर मचा दिया। ये प्लेस ऑफ सप्लाई का नहीं, आरसीएम का बोलो, पता नहीं कहां है, लेकिन आप ये केस सुनो, बहुत मजेदार है। धन्य है मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने इस केस को फाइट किया और सुप्रीम कोर्ट तक फाइट किया और अंततः जीते। केस क्या सुनो आप, इसलिए भी मैं चाहूंगा वही करें, अपने क्या पैड यूज करें। आरसीएम चैप्टर में पहले मैं केस स्टडी का नाम बता दूं, मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड यूओआई वर्सेस मोहित मिनरल्स प्राइवेट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 2022। केस क्या सुना, केस ये है कि आप सबको पता है कि यदि इंडियन इंपोर्टर किसी फॉरेन वेसल से गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करता है, इस वेसल का फ्रेट चाहे एक्सपोर्टर दे वेसल ओनर को, फिर भी इस फ्रेट के ऊपर इंपोर्टर विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन फ्रेट, इंपोर्टर विल बी लायबल टू पे जीएसटी, इंपोर्टर विल बी लायबल टू पे जीएसटी। लॉ ने ऐसा बोला, लॉ ने ऐसा बोला कि फॉर दिस फ्रेट
though the supplier is the vessel of the foreign country, vessel owner of the foreign country, and the recipient is the vessel owner of the foreign country, ye service kisko de raha hai, ye service kisko de raha hai, to supplier ye hai, recipient ye hai, phir bhi hum isko deem to be recipient manenge, deemed to be recipient manenge, और डीम्ड टू बी रेसिपिएंट मानने के कारण इस फ्रेट पे हम आपसे जीएसटी लेंगे। जो डिस्कशन करने जा रहा हूं ना वो सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन का 5% है और किसी भी किताबों में दिए हुए डिस्कशन का 200% है। इसलिए बड़े प्यार से सुनो, सुप्रीम कोर्ट जितनी व्याख्यान नहीं दूंगा लेकिन किताबों जितना समरी भी नहीं दूंगा, तुम्हें उतना बताऊंगा जितना सुनते तुम्हारे तो मजा आएगा, कोई चाप नहीं है। केस सुनो दे, केस की इंपॉर्टेंस सुनो दे तो तुम्हारा नॉलेज भी इनहेंस होगा और ये केस इतना वाइटल है तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहानी क्या हुई सुनो, कहानी ये हुई कि मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो CIF कॉन्ट्रैक्ट था। CIF कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो एक्सपोर्टर है उसने कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट लेके इंपोर्टर को बेचा, माना ऐसे बेचा, CIF कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने कोई जीएसटी पीएसटी दिया नहीं। बाद में डिपार्टमेंट ने इनको चैलेंज किया कि भैया आपको फ्रेट पे जीएसटी देना था। इन्होंने बोला कौन सा फ्रेट, बोला जो माल आया उसका फ्रेट, बोला इसका फ्रेट ही जब हम नहीं दिया तो उस पर जीएसटी कैसे देगा, बोला आपको लॉ नहीं पता, लॉ सुनिए, ये जब कोई भी गुड्स इंपोर्ट होता है तो उसके वेसल्स के फ्रेट पे इंपोर्टर इज ट्रीटेड एज रेसिपिएंट एंड ही विल बी लायबल टू जीएसटी। उन्होंने लॉ पढ़ा, बोला ये नोटिफिकेशन में तो दिया हुआ है, एक्ट में तो नहीं दिया हुआ, बोला एक्ट नोटिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ द एक्ट, तो चलो चुपचाप जीएसटी दो। इन्होंने जो डिफेंस पुट ऑन किया ना वो मार्वेलस है। इन्होंने बोला कि ये जो नोटिफिकेशन है ना यही वॉइड ऑफ एब इनिशियो है, यही अल्ट्रा वायरस नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है दैट इज बियॉन्ड पावर, ये नोटिफिकेशन देने का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। सेक्शन 93 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर है कि वो ये प्रूव करे कि सप्लायर जीएसटी देगा। सेक्शन 93 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कि जीएसटी सप्लायर देगा कि रेसिपिएंट देगा, ये उनके पावर में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो रेसिपिएंट कौन होगा ये बता देगा। रेसिपिएंट कौन होगा ये बताने वाले आप कौन होते हो, रेसिपिएंट तो वही होगा ना जिसने सप्लाई सर्विस लिया है। तो इस केस में रेसिपिएंट ये है, ये एक्सपोर्टर रेसिपिएंट है, मैं हुई नहीं, और आप नोटिफिकेशन के थ्रू मुझे रेसिपिएंट कैसे बना दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पैरवी सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरीके की वेसल्स की जब सर्विस होती है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाता है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाया वेसल्स, तो उस वेसल्स की प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाता है। तो जब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है तो रेसिपिएंट भी इंडियन ही है। ऐसा कहते सुप्रीम कोर्ट ने इनका ये धमाके वाला प्ली उड़ा दिया, इन्होंने अपना दूसरा प्ली लाया, बोला चलो सर मान लिया, लेकिन हमारा दूसरा प्ली सुनिए कि हमारी सप्लाई तो विदाउट कंसिडरेशन है। आप सप्लाई की डेफिनेशन पढ़िए 71A में, 71A में दिया हुआ है कि सप्लाई के लिए कंसिडरेशन का होना नितांत आवश्यक है। यदि आप मुझे रेसिपिएंट मान भी लेते हैं तो मैं इस बात को चैलेंज करता हूं सर कि ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि मैंने कोई कंसिडरेशन वेसल ओनर को तो नहीं दिया। यहां पे सप्लायर है वेसल ओनर और मैं हूं रेसिपिएंट आपके अनुसार। यदि मैं रेसिपिएंट हूं भी तब भी मैंने वेसल ओनर को कोई कंसिडरेशन तो नहीं दिया, तो जब मैंने कंसिडरेशन ही नहीं दिया तो ये सप्लाई कैसे हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुट ऑन किया, सप्लाई की डेफिनेशन पहली बात तो सिर्फ 71A में नहीं है, 71B में भी है, सी में भी है, लेकिन मैं समझता हूं कि 71B या 71C में भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि कंसिडरेशन
कि बिना भी ये सप्लाई मान ली जाए, तो भैया मैं मान लिया कि यहां पे कंसिडरेशन होना दरकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्ली देखिए कितना सुंदर है, वो बोल रहा है कि कंसिडरेशन आपने नहीं दिया तो क्या हुआ, कंसिडरेशन एक्सपोर्टर ने तो दिया। और कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में बोला हुआ है, कंसिडरेशन मे बी मेड बाय द रेसिपिएंट और बाय थर्ड पार्टी ऑन हिज बिहाफ। तो कंसिडरेशन आपकी तरफ से फ्लो होना चाहिए, ऐसी तो कोई आवश्यकता नहीं है, कंसिडरेशन आपके बिहाफ में एक्सपोर्टर ने दे दिया। भाई मेरे ट्यूशन सेंटर में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो क्या बच्चे फीस देते हैं? नहीं, कई बार उनके पेरेंट्स फीस देते हैं। तो कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी, तो यहां पे कंसिडरेशन आपने नहीं दिया तो क्या वो आपके भी आपने एक्सपोर्टर ने दे दिया, तो कंसिडरेशन है। मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का ये प्ली भी खत्म हो गया। अब मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो प्ली दिया उसका काट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। देखो ये प्ली क्या है, इन्होंने प्ली दिया कि हमारे जीएसटी लॉ में सेक्शन 8 बनाया गया है फॉर कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, और उसमें बनाया गया है कि जब एक साथ कई सारी सप्लाईज को बंच करके दिया जाए तो उसमें से यदि कोई प्रिंसिपल सप्लाई है, कोई मेन सप्लाई है, तो उसको कंपोजिट सप्लाई कहते हैं, और उसमें से यदि कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है तो उसको मिक्स सप्लाई कहते हैं। यहां पे मेरे को एक सप्लाई मिला है गुड्स की, उसके साथ मुझे फ्रेट की सर्विस भी मिली है, तो मैंने दो सर्विस दो सप्लाई एक साथ ली है, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट, और उसमें मेन सप्लाई जो है वो गुड्स की सप्लाई है, तो भैया ये कंपोजिट सप्लाई की कैटेगरी में जाएगा, और कंपोजिट सप्लाई होने के कारण इस पूरे को गुड्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करना चाहिए, जो कि ये लोग ऑलरेडी करते हैं। जब में से लोग कस्टम ड्यूटी लेते हैं तो सीवीडी 37 के नाम पे फ्रेट को जोड़ के मेरे से कस्टम ड्यूटी लेते हैं, तो ये ऑलरेडी इसको कंपोजिट सप्लाई मान के मेरे से ऑलरेडी टैक्स ले चुके हैं। अब इसको पर एक और अलग से फ्रेट बोल के टैक्स लेंगे तो फिर कंपोजिट सप्लाई की आत्मा का मर्डर हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई का फंडामेंटल टूट जाएगा, देन व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई, तब तो फिर ये सेक्शन 8 को वायोलेट कर रहा है नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को माना और बोला यस, ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें दिया हुआ है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाया वेसल्स के केस में इंपोर्टर विल पे जीएसटी, तो ये एक अलग ही लफड़ा हो जाएगा इसमें, तो भैया फिर कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई की आत्मा का मर्डर हो जाएगा। तो लॉ ने बोला ये नोटिफिकेशन वायोलेटिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 है, इसलिए नोटिफिकेशन वॉइड है। तो मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस बात का खंडन करवा दिया कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाया वेसल्स होगा तो importer will be treated as recipient and will be liable to pay GST on that vessel freight. I hope you enjoyed this case study. ये जितना मैंने आपको प्रवचन दिया उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे स्टडी मैट में डाल दिया है, मतलब इस PPT में डाला है, लेकिन फिर भी क्लासरूम का ये डिस्कशन थोड़ा ज्यादा अच्छा है। कस्टम के तो अभी अपने कर नहीं रहे, ये मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड की बातें मैंने यहाँ पे डाली, ये सब मोहित मिनरल्स से रिलेटेड PPT। विद दिस नोट मुझे लगता है कि हमने ये रिफंड पेनल्टी प्रोसिक्यूशन चैप्टर मोटा मोटी कर लिया। एक और अमेंडमेंट आया है, रूल 96 पूरा का पूरा चेंज हुआ है, तो मैं वो रूल 96 का जो नई ड्राफ्टिंग है वो मैंने आपको यहाँ पे वर्ड फॉर्मेट में दे दी है। रूल 96 यू नो, रूल 96 एबा हल्का फुल्का डिस्कशन कर लेते। रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, तो जब कोई
आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो और उस पर आप आईजीएसटी देते हो, तो उस आईजीएसटी का आप बाद में रिफंड क्लेम कर सकते हो। बात लिया। रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, इसको रिफंड के लिए रूल पहले भी बना हुआ था, वही रूल यहां पे इन्होंने विद थोड़े बहुत अच्छे प्रोविजंस डाल के इन्होंने इसे इनहेंस कर दिया। तो अपने पास पूरा रूल ही पढ़ लेते हैं, जो जो अमेंडमेंट आया वो बता दूंगा कि अमेंडमेंट आया। पहली बात आई कि आपको इसके लिए जब आप जीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करते हो ना, आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करते हो, बाद में एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप अपना रिफंड क्लेम कर दो व्हाट एवर आईजीएसटी यू हैव पेड, उसके लिए आपको अलग से जीएसटी आरएफडी 01 जो रिफंड का फॉर्म है वो आपको फिल करने की दरकार नहीं है, क्योंकि जो आप शिपिंग बिल भरते हो ना वही ऑटोमेटिकली उसी में आप क्लिक करते हो अगेंस्ट क्लेम ऑफ रिफंड, तो उसी हिसाब का रिफंड आ जाएगा। द शिपिंग बिल फाइल्ड बाय द एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया एंड सच एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ओनली व्हेन नंबर वन, वो एप्लीकेशन कब माना जाएगा? माना कि शिपिंग बिल ही आपका एप्लीकेशन है, अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं देना, लेकिन वो एप्लीकेशन कब फिल्ड माना जाएगा? पहला, द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस कैरिंग आउट एक्सपोर्ट गुड्स ड्यूली फाइल्स एन एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट टू द कवरिंग द नंबर ऑफ द डेट ऑफ द शिपिंग बिल ऑफ द एक्सपोर्ट। तो आपने जिस वेसल के थ्रू एक्सपोर्ट किया है वो वेसल ओनर एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट तो सबमिट किया ही होगा। जब एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट उसने सबमिट किया है तो उस एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में उसने आपकी शिपिंग बिल की डेट एंड नंबर तो मेंशन की होगी। यदि एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में आपका शिपिंग बिल का डेट और नंबर है, इसका मतलब आपका सामान इंडिया के बाहर गया है, तो भैया ये होना जरूरी है। तो जब तक ईजीएम में एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जो कि वेसल ओनर देता है प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम को, जब तक उस एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में आपके शिपिंग बिल का जिक्र ना हो, तब तक भाई साहब हम आपका एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। दूसरी बात आपको यह भी करनी पड़ेगी कि आपका जीएसटीआर 3B सबमिट हो जाए। भैया आप जीएसटी देते किसके थ्रू हो? लॉ क्या है? आप एक्सपोर्ट करो एंड ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो आप पेमेंट करोगे तब तो? पेमेंट कैसे करते हो आप तो जीएसटीआर 3B के थ्रू पेमेंट करते हो। तो भैया जी आपने पेमेंट कर दिया है, यानी जीएसटीआर 3B सबमिट हो गया है। उसके बाद इन्होंने इस साल ये हरा वाला अमेंडमेंट है, इन्होंने डाला कि आपके शिपिंग बिल के थ्रू और जीएसटीआर 1 में आपने शिपिंग बिल में जो डेटा दिया है और जीएसटीआर 1 में जो डेटा दिया है उनमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। मिसमैच हुआ तो नहीं चलेगा, जब तक वो मिसमैच सेटल नहीं हो जाता तब तक हम आपके एप्लीकेशन पर रिफंड नहीं मानेंगे। अब सपोज आप शिपिंग बिल में अमाउंट दिखा रहे हो 40 करोड़ और जीएसटीआर 1 में अमाउंट दिखा रहे हो 50 करोड़, तो भैया ये तो मिसमैच हो जाएगा, हम इसमें रिफंड नहीं देंगे। प्रोवाइडेड दैट इफ देयर इज एनी मिसमैच बिटवीन द डेटा फर्निश बाय द एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स इन शिपिंग बिल एंड दोज फर्निश इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटीआर 1, सच एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑन एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया शैल डीम टू हैव बीन फाइल्ड ऑन सच डेट व्हेन सच मिसमैच इज रेक्टिफाइड। तो जब तक आपके शिपिंग बिल और जीएसटीआर 1 का मिसमैच रेक्टिफाई नहीं हो जाता तब तक आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। आपको पता है बिना आधार ऑथेंटिकेशन के कोई रिफंड नहीं मिलता, तो ये भी यहां पे कवर कर लिया गया कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाना चाहिए। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये ए आपका एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में नाम आ गया है, आपका जीएसटीआर 3B सबमिट हो गया है, आपका कोई मिसमैच नहीं है जीएसटीआर 1 और शिपिंग बिल में, आपका आधार ऑथेंटिफाई हो गया है, ये चारों जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तब माना जाएगा आपका एप्लीकेशन लग गया। सर और भी अमेंडमेंट है? हाँ है। द डिटेल्स ऑफ द रेलिवेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स कंटेंड इन फॉर्म जीएसटीआर 1
shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the system, and the said system shall electronically transmit to the common portal a confirmation that the goods covered by the said invoice have been exported out of India. अब आपने जीएसटी वन में जो आपने डिटेल डाली वो आपके जीएसटी पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल से वो इंफॉर्मेशन जाएगी कस्टम पोर्टल पे, और कस्टम पोर्टल जब उसको कंफर्म करेगा कि यस ये गुड्स एक्सपोर्ट हो गया है, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, तब आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगा, मतलब आपका सिपिन बिल के थ्रू एप्लीकेशन हो गया। लेकिन अपॉन द रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्निशिंग ऑफ अ वैलिड रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फ्रॉम द कॉमन पोर्टल, the system designated by the custom or the proper officer of custom as the case may be shall process the claim of refund in respect of export of goods and an amount equal to IGST paid in this in such spin bill or bill of export shall be electronically credited to the bank account of the applicant. GSTR 1 submit hone ke baad wo custom department ke portal pe spin bill se confirm hone ke baad कस्टम डिपार्टमेंट उसको कंफर्म कर देगा कि हाँ ये गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है। फिर जैसे आप जीएसटी आर 3B भरेंगे तो आपका एप्लीकेशन तो ऑथराइज हो ही गया था, 3B भरते ही आपका रिफंड प्रोसेस होकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कोई अलग से एप्लीकेशन देने की दरकार नहीं है। लेकिन द क्लेम फॉर रिफंड शैल बी विथहेल्ड, द क्लेम फॉर रिफंड शैल बी विथहेल्ड Where a request has been received from the commissioner of central tax or state tax or union tax to withhold the payment of refund due to क्या कर दिया सर, due to क्या कर दिया ये तो बताओ, due to the person claiming refund in accordance with the provision of subsection 10 or subsection 11 of 54. में भी रिफंड क्लेम कर रहे हो, यहाँ पे भी रिफंड क्लेम कर रहे हो, डबल रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट बोलेगा इसको विथहेल्ड करो। द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम डिटरमाइंस दैट द गुड्स वर एक्सपोर्टेड इन वायोलेशन ऑफ द कस्टम एक्ट, आपने एक्सपोर्ट किया लेकिन कस्टम लॉ का वायोलेशन किया, विथहेल्ड हो जाएगा। द कमिश्नर इन द बोर्ड और एन ऑफिसर ऑथोराइज बाय द बोर्ड on the basis of data analysis and risk parameters is of the opinion that verification of credential of the exporter including availment of the ITC by the exporter is considered essential. जब उनके risk management database के through आपका exporter blink कर रहा है कि नहीं भैया इसका तो data check करो, doubtful personality है, इसका credential doubtful है, एक बार इसका credential verify कर लिया जाए। रिस्क मैनेजमेंट स्कीम ने बोला कि इस टाइप का क्रेडेंशियल वेरीफाई कर लिया जाए तो भैया आपका एप्लीकेशन विथहोल्ड हो जाएगा, ये अमेंडमेंट है। वाईफे में क्या बोला, वेयर रिफंड इज विथहेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज ए और क्लॉज सी अबव, इस कारणों से जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपका क्लेम विथहोल्ड करा दिया है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपका क्लेम विथहोल्ड करा दिया है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपका एप्लीकेशन विथहोल्ड करा दिया, हाँ ये, या फिर कमिश्नर ने रिस्क पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए आपका एप्लीकेशन विथहोल्ड करा दिया, ये दो, इन दो कारणों से यदि आपका एप्लीकेशन विथहोल्ड हुआ है तो लॉ बोलता है सच क्लेम शैल बी ट्रांसमिटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स यूटी एज द केस में बी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल, ये केस की डिटेल्स पूरी की पूरा प्रॉपर ऑफिसर को ट्रांसमिट हो जाएगी, कौन सा प्रॉपर ऑफिसर, जीएसटी का प्रॉपर ऑफिसर, और ये जो केस जीएसटी ऑफिसर को ट्रांसमिट हो गया ना सिस्टम जनरेटेड, तो ये सिस्टम जनरेटेड जीएसटी आरएफडी 01 मान लिया जाएगा। यानी जैसे ही आपका केस विथहेल्ड हुआ तो आपका केस प्रॉपर ऑफिसर को
पास ऑन हो जाएगा और एक सिस्टम जनरेटेड जीएसटी आरएफडी 01 भी लग जाएगा। मतलब आपको अलग से जीएसटी आरएफडी 01 नहीं भरना, वो सिस्टम जनरेटेड जीएसटी आरएफडी 01 लग जाएगा। एंड द इंटीमेशन ऑफ सच ट्रांसमिशन सेल ऑल्सो बी सेंड टू द एक्सपोर्टर सेल ऑल्सो बी सेंड टू द एक्सपोर्टर एंड एंड कमिश्नर भेज दिया जाएगा, कॉमन पोर्टल में भी आ जाएगी। अब उसके बाद जब तक मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा तब तक आप देखते रहिए। नेक्स्ट 5B में क्या बोला हुआ, वेयर रिफंड इज विथहेल्ड बिकॉज ऑफ बी। बी क्या हुआ, आपने कस्टम लॉ का वायोलेशन किया, आपने कस्टम लॉ का वायोलेशन किया, तो यहां पे भी एक पूरा का पूरा मामला कस्टम ऑफिसर के पास चला जाएगा। और यहां पे भी एक सिस्टम जनरेटेड जीएसटी आरएफडी 01 कस्टम ऑफिसर के पास चला जाएगा। अब जब तक कस्टम ऑफिसर का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये जीएसटी आरएफडी 01 प्रोसेस नहीं होगा। ये बात पक्का है कि ए बी सी तीन रीजन से आपका एप्लीकेशन डिथल्ड होगा। पहला, जीएसटी ऑफिसर ने उसको रोका है, उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, या जीएसटी डिपार्टमेंट का रिस्क मैनेजमेंट वालों ने बोला है कि भैया इस तरह बात क्रेडेंशियल वेरीफाई कर, तो फिर आपका मामला ट्रांसमिट हो जाएगा जीएसटी ऑफिसर को और एक सिस्टम जनरेटेड जीएसटी आरएफडी बन चली जाएगी। और यदि कस्टम डिपार्टमेंट ने इसको रोका है, उन्हें लगता है कि कस्टम के लॉ को वायलेट करके एक्सपोर्ट किया गया है, तो फिर ये सारा मामला कस्टम ऑफिसर्स के पास चला जाएगा और एक सिस्टम जनरेटेड जीएसटी आरएफडी 01 लग जाएगा। और जैसे ही आपका ये केस जीएसटी आरएफडी 01 लग गया तो वैसे ही सेल बी डील अकॉर्डिंगली विद रूल 89। द एप्लीकेशन ऑफ रिफंड इन फॉर्म जीएसटी आरएफडी 01 ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कस्टम कॉमन पोर्टल इन टर्म्स ऑफ रूल 5A 5B अबव एंड सेल बी डील्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 89। अब उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में पे रिफंड ऑफ द आईजीएसटी, ये अलग बात हो गया, भूटान भूटान की अलग बात हो गई, बस इतनी सी बात आपने काम की। तो ये रूल एक बार आपको दोबारा पढ़ लेना चाहिए, ये पूरा का पूरा रूल अमेंड हुआ है, इसलिए मेजर अमेंडमेंट मैंने आपको दोबारा पढ़ के सुना दिए हैं। खाली 5A 5B ये अमेंडेड हुए थे और उधर वो प्रोविजन नया इंसर्ट हुआ था जो मैंने आपको बता दिया। तो भैया जी आज हमने जीएसटी के फाइनल के जो चैप्टर्स थे उसमें जो अमेंडमेंट आए थे वो आज हमने डिस्कस कर दिए। अगली क्लास में हम लोग कस्टम के अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे।